भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पहली अप्रैल से सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर सबके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र का है वो टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको कोविशील्ड की डोज लगी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पहली डोज भी लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से जानने के लिए। सर आप बताइए कि पहली डोज या दूसरी डोज लगवाने के लिए आप आए हैं? दूसरी डोज के लिए। रजिस्ट्रेशन कर लिया था? नहीं, सेकंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहला ही बताना होता है कि मेरा पहला टीका इस डेट में लग चुका है इस मोबाइल नंबर से। ये जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है? ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। 50% 80% आदमी अनपढ़ है, उसे पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और यहाँ सेंटर पे कोई व्यवस्था बताने वाला नहीं है कि कौन लोग लाइन में लगे कौन लोग नहीं लगे। सुबह 8 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अंदाजा नहीं था कि जल्दी नहीं आना है, क्योंकि सरकार ने ये भी बताया था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 3 बजे के बाद आप जाकर विदाउट रजिस्ट्रेशन करें वॉक इन करके वैक्सीन लगा सकते हैं। कुछ लोगों से पूछेंगे आपको पता था कि 3 बजे के बाद आना है, रजिस्ट्रेशन किया है आपने? हमारे डिस्पेंसरी में कर लिया, तो उन्होंने कहा कल जाके लगवा लेना। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हमें अभी कुछ पूछा ही नहीं, अभी टोकन दिया है? नहीं, अब आएगा मिलेगा टोकन। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब लोगों की भीड़ तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग भी कम ही दिख रही है, सब एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन मास्क सबने लगाया हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि इनको वैक्सीन मिले। सर कुछ कहना चाहेंगे? आप पहली डोज लेने आए हैं वैक्सीन? क्या तो ज्यादातर लोग यहाँ पर सेकेंड डोज भी लेने के लिए आए हैं। सेकेंड डोज लेने के लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं और सेकेंड डोज ले सकते हैं। जी बताइए। अलग से कोई मतलब सेकेंड डोज वालों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है? ये कह रहे हैं कि सेकेंड डोज वालों को भी फर्स्ट डोज वालों के साथ क्लब कर दिया गया है। आइडली होना ये चाहिए कि जो सेकेंड डोज लेने के लिए आए हैं उनकी एक सेपरेट लाइन या कुछ बनाई जाए तो ज़्यादा स्मूथली यू नो व्यवस्था चल सकती है यहाँ पर। तो फिलहाल पहला दिन 1 अप्रैल का जब 45 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सपैंड किया है सरकार ने, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी अस्पतालों को स्ट्रीमलाइन करनी है। लेकिन ये देखिए साइड में यहाँ पर इन लोगों को टोकन दे दिए गए हैं और एक एक करके 10 लोगों का ग्रुप बनाकर इनको वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। 10 लोगों का ग्रुप इसलिए बन रहा है क्योंकि एक वायल में 10 डोजेस होती हैं और क्योंकि अस्पतालों को इंश्योर करना है कि डोजेस वेस्ट ना हो, इसलिए 10-10 को एक साथ बुलाया जाता है और वैक्सीन का शॉट दिया जाता है।